ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये तो हर बार और आप सभी अव्यक्त बाबा से मिले तो दूर से मिल लिए, दृष्टि ले ली। लेकिन हम लोग जब अव्यक्त बाबा से मिलते थे तो 14 घंटे सामने रहते थे। बाबा 7 बजे आते थे और बाबा सवेरे की क्लास करा के 8 बजे जाते थे, तो जागरण होता था। तो बाबा भी बैठा के दृष्टि देना, टोली देना और हाल चाल पूछना, कुछ नहीं तो एक शब्दों में बच्ची संतुष्ट हो उसी में पता हाँ या ना, नहीं तो क्यों बाबा उसको और अच्छी तरह मोटिवेट करते थे। इतनी पालना तो अव्यक्त बाबा ने इस रथ के द्वारा 14-14 घंटे की है। और जिस पोज में पलथी मार के बैठती थी उसी पोज में 14 घंटे बैठी रहती थी। हमारी तो मनोहर दादी हंसी की बात कहती, अगर मेरे तन में बाबा है तो मैं कहूंगी वॉशरूम वतन में बना, लेकिन गुलजार कैसी है जो इसको 14 घंटे ख्याल नहीं होता। तो जैसे बाबा सुला देता था, बाबा ने क्या मुरली चलाई, क्या व्यक्तिगत डायरेक्शन दिया, गुलजार दादी मुरली पढ़ते थे। हम लोग 1 घंटा अगर पलथी मार के बैठ जाएं तो पैर को पटकेंगे कि सो गया मेरा पैर, सीधे खड़े नहीं होंगे, लंगड़ा जाएंगे। और जो 14 घंटे बैठता था, कमाल उस रथ की है, भाग्यशाली रथ, भगीरथ की, नंदगढ़ की कहें, 14 घंटे के बाद बाबा में भेजा और दादी ऐसे उठ के खड़ी गई, हम लोग तो शायद पैर ही ठोकते रहेंगे, जहां बैठे सोफा वहीं से। और दादी ऐसे खड़े होके और चल पड़ती थी। तो ये इतना स्तन के द्वारा बाबा ने पार्ट बचाया। परंतु ये दादियां दादियां बनी कैसे, कभी इन्होंने, बाबा ने कहा प्रकृति दासी होगी, माया छिम छिम करके आएगी, लेकिन दासी तुम नहीं बनना, माया ही दासी रहने देना। दादी स्वयं फौरन तक जाती थी, सब दादियों की विशेषता रही, अपनी अटैची में सुई, धागा, बटन, हुक लेके जाती थी कि कहाँ बटन टूट जाए तो अपने हाथ से लगाती थी। अभी भी आप मेरे पास आएंगे तो गंगे दादी का किट बैग मिलेगा, इतने पत्ते में सारी सुइयां, छोटी बड़ी, छोटे बड़े बटन और ये क्या कहते हैं हुक्स, और स्वेटर की मोटी बटन, अभी तक वो डब्बा रखा हुआ है। और कमाल है, उन दिनों की सुइयों में अभी तक जंग नहीं लगी है। तो कहने का भाव है कि गुलजार दादी फौरन जा रहे और सुई धागा अटैची में रखवा रहे। तो एका नामी की भी होता है, एक एक कना हीरे समान है। दादियों ने करके दिखाया कि हीरे समान।